अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अंशनी दीदी को मार दिया। शांत 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 जो शांत जो शांत 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 जो शांत 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 जो इतनी जोर से कौन म्यूजिक चला रहा है? किसी तरह एक बार को भाभी से बात हो जाए, किसी से वो जानवी का सच कहे, इससे पहले को भाभी को रोकना होगा। अरे कोई संभाल के आ भागे जा रही हो? वो हंसदीप भाभी की मौत को भाभी के कारण हुई है, पर इस सब के पीछे मेरा भी हाथ है। क्या हुआ, ये चेहरे पर इतनी परेशानी है? जी जी पापा, सब सब ठीक है। ये समय इतनी तेज म्यूजिक किसने चला रहा? राजीव दादा जब टेंशन में होते हैं तो लाउड म्यूजिक चलाते हैं। ये कॉलेज में तो है नहीं, लड़का जैसा माहौल है, तेज म्यूजिक जाओ जाके बोलो उसे मुझे कम करे। सॉरी पापा, आपको सच नहीं बता सकती, अभी तो पहले को भाभी को रोकना है, कहीं राजीव दादा को ही सब बता दिया उन्होंने तो। जाओ बोलो उसे। जी। मार दिए, मार दिए। कौन? दादा हम, भूमि। भूमि? हाँ हाँ। हाँ भूमि बोलो। वो भाभी ठीक है? हाँ वो एक्चुअली आराम कर रही है, अभी भी बेहोश है। बात करनी थी मुझे कुहु भाभी से। हाँ थोड़ी देर बाद बेटा, सो रही है वो। मुझे आपसे भी बात करनी है। हाँ भूमि, थोड़ी देर बाद बात करते ना, हम भी थोड़े परेशान हैं। थोड़ी देर बाद है बेटा। नहीं दादा, अभी इसी वक्त प्लीज। क्या हुआ, बोला म्यूजिक कम करने के लिए? वो राजीव दा दरवाजा नहीं खोल रहे पापा। तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, कभी कभी तो मुझे सब कुछ इतना संदिग्ध महसूस होता है, सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि उस हंसनी के साथ वाकई कुछ हुआ है, कोई हादसा। हादसा तो हुआ है पापा, पर जानवी भी शामिल है उसमें, ये कोई ना जाने तो ही अच्छा होगा। हमें सच का पता लगाना होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं बताया, मुझे नहीं बताया कुछ। जानवी, तुम्हें पता है जुर्म की गवाही छुपाना भी जुर्म होता है, तुमने तो कत्ल होते हुए देखा है ना, तो बता दो ना सबको। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, जाने दो मुझे। से अपने बात से पीछे नहीं हट सकती तुम। कौन सी बात? अच्छा इतनी जल्दी भूल गई? क्या कहा था तुमने कि कुहू ने हंसनी की हत्या कर दी? हंसनी दीदी! देखो जानवी, तुम इस हत्या की चश्मदीद गवाह हो, और गवाह का गवाही ना देना गुनाह होता है। झूठ है ये सब, झूठ है ये सब। झूठ है तो तुम्हारे चेहरे पर ये सच कैसा? देखो जानवी, डरो मत, हम है ना, तुम बस बेखौफ होकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। जो तुमने सबको कहा था कि कुहू ने हंसनी को मार दिया, मर गई हंसनी। सर मोबाइल फोन किधर? ये उसी की है, हंसनी चंदेल। यस सर।
मिल गया सबूत। ये हम कमरा में क्या कर रहे हैं? ये घर में क्या कर रहे हैं? हमको तो ताना मारना चाहिए था जेल में। हम गुना किए हैं। क्या बोल रही हो? सुन लेगा तो तकलीफ हो जाएगी। हाँ शांत हो जाओ। तुम तो चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुन ले। क्या कर रही हो कुहू? आराम से मत करो। चाहते हैं कि हमारी बात सुन ले। होश में आओ कुहू। पुलिस के हवाले कर दे मुझे। अरे कुहू आराम से बोलो। अब हमारी जिंदगी में कुछ बचाने के लिए रखा क्या है? अरे कुहू ऐसा नहीं है कुछ भी। रुक जाओ तो। क्या कर रही हो कुहू? अब कानून के हवाले कर दीजिए। क्या बोल रही हो यार? हमारे घर दीदी मर गई है। हम मार दिए उनको। हम मार दिए। नहीं नहीं नहीं। हम मार दिए। हम मार दिए। अरे कुहू क्या कर रही है? हमारी बात कुहू कुहू हमारे घर दीदी मर गई। हमारे घर दीदी मर गई। खाई में गिर गई दीदी। अरे मौसी जी क्या कर रही है आप? रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। पुलिस को बुलाइए। पुलिस को जेल भिजवा दीजिए। हम अपराधी हैं। हम अपराधी हैं। लेकिन हंसनी वाकई मर गई है। दीदी मर गई। मारती दीदी को। मारती दीदी को। वो जय भोलेनाथ। हम कुहू को कुछ नहीं होने देंगे। नारायण चंदेल। जैन सर। जैन सर। सब इंस्पेक्टर मनीष शुक्ला थाना मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। बोलो इंस्पेक्टर। सर हमें हंसनी जी का फोन मिला है मुनिया टोला के एक बस से। क्या? नहीं ये नहीं हो सकता। ये किसी की चाल है। कोई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है इंस्पेक्टर। पर सर ये हमें यकीन है कि हंसनी मर चुकी है। पर सर सबूत क्या है? भाई सबूत नहीं गवाह है हमारे पास जिसने अपराध होते हुए देखा है। क्या इंस्पेक्टर हमारी मानिए इलाके का चप्पा चप्पा छान मारिए। लाश आपको वहीं कहीं आसपास मिल जाएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। हमारे घर दीदी मर गई। इसका पल बढ़ाना। अब तक किसी ने सुना नहीं और ना ही इसको किसी के सामने जाने दिया हमने। पर कब तक? अरे भूत सवार है इसके सर पे। अपने आप को सजा दिला के रहेगी। केस तो तब होगा ना जब पुलिस को हंसनी की लाश मिलेगी। फिर चाहे भाभी कुछ भी कहे नींद में या होश अवस्था में उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ पुलिस पूछताछ करेगी लेकिन जेल नहीं भेज सकती। अच्छा ये बताइए कि आपने लाश कहाँ छुपाई है? What? देखो राजीव उम्मीद करते हैं कि तुमने जिस किसी की भी मदद ली है वो भरोसे का है। दिमाग ठीक है तुम दोनों का? हमने लाश छुपाई। हमने? अरे हमने कोई लाश वाश नहीं छुपाई। अरे हमको तो लगा कि तुम दोनों ने छुपाई है लाश। जैसे हंसनी के फोन से उसका मैसेज आता तुझे। ना मैसेज ना लाश इसमें हम दोनों का कोई हाथ नहीं। हाँ दादा। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे ये मजाक मस्ती करने का टाइम नहीं है। दादा हम मजाक नहीं कर रहे। हमने कोई भी लाश नहीं छुपाई है। देखो राजीव इस वक्त हमारे बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए।
तुमने लाश छुपाई, सही किया, लेकिन अब पुलिस की तपिश बढ़ गई है। हमें लाश को किसी ऐसी जगह छुपाना होगा जहां पुलिस के फरिश्ते भी ना पहुंच पाए। ये काम हम कर सकते हैं, बस तुम हमें ये बता दो तुमने लाश को कहां छुपाया है। हाँ दादा। तुम दोनों को एक बार में समझ में नहीं आता, अरे बोल रहे ना हम कि हमने लाश को नहीं छुपाया। तुमने नहीं छुपाई, हमने नहीं छुपाई, तो फिर किसने? किसने से बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों हंसनी की लाश को किसी ने क्यों छुपाया। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।